तो हेलो, तो अपन आ गए एक और नई वीडियो लेके। जैसे कि आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, आज अपन बात करने वाले टॉप 8 इंडियन हॉरर वेब सीरीज़ के बारे में। वैसे इंडिया में बहुत कम हॉरर वेब सीरीज़ बनती है, और बनती है तो बहुत घटिया बनती है। इनमें से सारी वेब ये वीडियो बनने का देर यही था कि मेरे को वेब सीरीज़ देखनी थी, और बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज़ बहुत घटिया थी, पर ये मैंने निकाली वो सब IMDb के अकॉर्डिंग है, तो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो में पिछली दो वीडियो की तरह लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर डिसलाइक भी करना चाहते तो कर सकते हैं, मुझे कोई बुराई नहीं है। आप फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में, मैं और सुधारूंगा। तो चलिए इस वीडियो को इसी के साथ शुरू करते हैं। मैं अब लिस्ट की शुरुआत हो जाती है वेब सीरीज का नाम है परछाई बाय रस्किन बॉन्ड, जिसको आप G5 पे देख सकते हैं, जिसकी IMDb रेटिंग 5.3 है। इसके में आपको 12 एपिसोड देखने मिल जाएंगे, और हर एक के अलग अलग हॉरर स्टोरी है जो कि बहुत ही अच्छी है। कुछ कुछ स्टोरी और कुछ कुछ बहुत ही बेकार टिपिकल हॉरर है। कुछ कुछ मुझे बहुत पसंद आई इसमें से, जिसमें से एक टिपिकली लास्ट एपिसोड मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये वेब सीरीज देखनी है तो आप इसको G5 पे देख सकते हो। तो चलिए इसी के साथ अपन बढ़ते हैं अपनी अगली वेब सीरीज़ की ओर। अब लिस्ट की अगली वेब सीरीज आ जाती है, उसका नाम होने वाला है भ्रम, जो कि फिर से एक और G5 की वेब सीरीज होने वाली है, जिसकी IMDb रेटिंग होने वाली 6.4। इसमें स्टोरी जो है एक अलीशा नाम की लड़की की है, जो एक राइटर रहती है, जिसके साथ कार एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद वो शिमला शिफ्ट हो जाती है ताकि वो थोड़ा अपने पास से बिगड़ सके, पर उसको वहाँ पर आके विजन देखने लगते हैं, जिसमें वो एक छोटी लड़की को देखती है। अब ये क्या ये उसके विजन है, उसका भ्रम है, ये जान या हकीकत है, ये जानने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी चाहिए। वेब सीरीज काफ़ी अच्छी है, उसमें काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है कल्कि कोचीन है, और उसके अलावा उसके आपको डर फील होता है। पर ई वेब सीरीज का ये है प्लाट है कि इसके 8 एपिसोड है, शुरुआत के एपिसोड बहुत जल्दी निकल जाते हैं, मतलब आपको थोड़ा फास्ट पेसिंग लगती है वेब सीरीज उसमें, क्योंकि रन टाइम सिर्फ 22 मिनट का है पर एपिसोड, कुछ कुछ 25 मिनट की भी एपिसोड है, पर यह एक बार आप वेब सीरीज में घुस गए तो एंडिंग आपको चौंका देगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते अगली वेब सीरीज की ओर। अब इसकी अगली वेब सीरीज आया तो उसका नाम होने वाला है गहराइयाँ, जो जिसकी IMDb रेटिंग है 6.5, और इसको आप देख सकते हो जियो सिनेमा पे बिल्कुल फ्री में। ये टिपिकल हॉरर और इंडियन हॉरर वेब सीरीज हो जाती है बिल्कुल सेम वाली, पर इसका जो कॉन्सेप्ट है मुझे अच्छा लगा। इसमें डराने वाली हरकतें बहुत होती है, मतलब डर लगता है इसको देख के, वेब सीरीज को देख के। इसका बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही अच्छा लगा है मेरे को, ऊपर इसकी एक्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो जाती है कहीं कहीं जगह पर आप इस वेब सीरीज़ को देख सकते हो, क्योंकि ये फ्री है जियो सिनेमा पर, इसलिए इसको मैंने डाला है इसमें, क्योंकि आप ज़्यादातर व्यूज को फ्री देखना है तो आप देख सकते हो जियो सिनेमा पर इसको, सिर्फ इसलिए मैंने इसको डाला है। अब इसकी और 22 मिनट के पर एपिसोड है, और इसमें सिर्फ 10 एपिसोड है, तो आप इसको देख दे सकते हो अपना दिन, आपको बोर नहीं करेगी वेब सीरीज। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते अगली वेब सीरीज़ की ओर। अब लिस्ट की अगली वेब सीरीज होने वाली, उसका नाम होने वाला है बेताल, जो कि नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज की IMDb रेटिंग है 5.4। और आप भी बोलोगे लिस्ट में ऊपर कैसे है इसकी IMDb रेटिंग कम होती है, पर इसको 10,000 लोगों ने वोट दिया, वहीं पहले की जितनी वेब सीरीज इसको 200-300 लोगों ने वोट दिया है, तो उनकी IMDb रेटिंग गिरेगी, पर इसकी नहीं गिरनी, जितनी गिरनी थी गिर चुकी है। इसमें अपन इसकी स्टोरी की बात करें तो इसमें एक गाँव है जो कि कर्ज होता है, जिसपे ईस्ट इंडियन कंपनी के ऑफिसर जॉम्बीज बोल लो जॉम्बीज का अटैक होता है, जिनका सामना करना होता है मॉडर्न एज के सोल्जर्स का। बाकी इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी, अगर आपको जानने के लिए वेब सीरीज देखनी पड़ेगी कि मॉडर्न डे सोल्जर उनको हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे। इसमें 4 एपिसोड है, और सबके सब 40 मिनट से ज़्यादा के नहीं है, तो आप इसको देख सकते हो, बहुत कम है। और इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली वेब सीरीज की ओर। अब जिसकी अगली वेब सीरीज हो जाती है वो फिर से एक और नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज होने वाली है, इसका नाम होने वाला है टाइपराइटर, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.5, और इसमें सिर्फ 5 एपिसोड हैं, तो आपको ज़्यादा लंबे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसकी स्टोरी सिंपल है, इसमें एक मेंशन रहता है गोवा का, जहाँ पे एक नई फैमिली आ जाती है, वहाँ पे पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए रहते हैं घोस्ट के, और उसकी कि वो इंसिडेंट वापस इस फैमिली के साथ होने लगते हैं, और उसकी स्टोरी टाइपराइटर के अराउंड घूमती रहती है। उसके में कुछ आपको सस्पेंस दिखेंगे, और कुछ बच्चों की चुल दिखेगी, जैसे कुछ बच्चे मिलकर क्या चुल बचाते हैं। बाकी ये वेब सीरीज आपको देखनी चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी वेब सीरीज है, वन ऑफ दी बेस्ट वेब सीरीज है। और इसी के साथ चलिए बढ़ते अपन अगली वेब सीरीज की ओर। अब लिस्ट में अगली वेब सीरीज आती है, वो होने वाली डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज, जिसका नाम होने वाला है अनकही अनसुनी, जो कि 2021 की वेब सीरीज है, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.3। इसमें आपको 20 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे सीजन 1 में, और इसकी जो स्टोरी है उसमें वो है एक उमेश पुलिस ऑफिसर, जो यंगेस्ट इंस्पेक्टर होते हैं यूपी के, जिनका ट्रांसफर हो जाता है एक स्मॉल टाउन में जिसका नाम है जग्गी। वहाँ पर फिर कुछ ऐसी मिस्टीरियस घटना होने लगती है, जहाँ पे लड़कियाँ गायब होने लगती है, ये पुलिस ऑफिसर उनको सॉल्व करना है कि मिस्ट्री वो लड़की कहाँ जा रही है, और उनको वापस लाना है। ये इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं होते, क्या क्या हॉरर इंसिडेंट में देखने को मिलते हैं, ये जानने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। वेब सीरीज काफ़ी अच्छी है, तो चलिए इसके साथ बढ़ते अगली वेब सीरीज की ओर।
अब ब्लिस्ट की अगली सीरीज फिर से एक और बार डिज़्नी प्लस हॉटस्टार की सीरीज होने वाली है, जिसका नाम होने वाला है धन राकर का रहस्य, जिसकी आईएमडी रेटिंग होने वाली है 7.2। और ये मुझे काफ़ी पसंद आई वेब सीरीज। इस वेब सीरीज में आईएएस ऑफिसर उनको जिनको एक केस दिया जाता है सिलासपुरा का, जहाँ पे उनको लोगों को कन्विंस करना है कि वो उधर माइनिंग करने दें, पर वहाँ के लोग उस माइनिंग वाली जगह को बहुत पवित्र मानते हैं, उसको पूजा जाता है, क्योंकि उनको मानना है कि वहाँ से राक्षस आएगा जो पूरा सर्वनाश कर देगा। और ऐसा ही होता है, वहाँ से राक्षस आने लगते हैं, राक्षस बोलो ज़ॉम्बीज बोलो, जो इन्फेक्ट करने लगते हैं लोगों को। और वो क्यों इन्फेक्ट कर रहे हैं, कैंसर इन्फेक्ट कर रहे हो, कि ये लोग सर्वाइव कर पाएंगे उस वायरस से या उस चीज़ से, जो भी बोल लो आप, ये जानने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते अपन अगली वेब सीरीज़ की ओर। अब लिस्ट की आखिरी वेब सीरीज होने वाली है, जो कि फिर से नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज होने वाली है, जिसका नाम होने वाला गोल, जो कि 2018 में बनी थी, आज से ठीक 5 साल पहले, और जिसकी आईएमडी रेटिंग है 7। और इससे अच्छी वेब सीरीज हॉरर में इंडिया में अब तक नहीं बनी है, या जॉम्बी बोल लो, क्योंकि इसमें एक्टिंग, इसकी वीएफएक्स, इसके ग्राफिक्स, की स्टोरी सब एक सबसे बढ़िया है। अगर आपने अब तक ये वेब सीरीज देखी तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसकी स्टोरी सिंपल है, इसमें एक आतंकवादी को लाया जाता है, जिससे कुछ सच उगलाया जाता है, पर वो ऐसे कुछ मंत्र बोल दे, कारण वो अपने आप को एक श्राप त्याग देता है बोल दो, या फिर अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है ज़ॉम्बीज़ में। फिर उसके बाद जो होता है उसके जानने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। वेब सीरीज काफ़ी अच्छी है, आपको बहुत मज़ा देगी। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक बने हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।